अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चीज़ी कीमा पराठा रोल। चीज़ी कीमा पराठा रोल बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें है एक प्याली कीमा, आधी प्याली ऑयल, दही और हरी मिर्चें, ये हम एक साथ शामिल करेंगे तो मैंने एक साथ ही रखी हुई हैं, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर, गरम मसाला और नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, इसके अलावा हमें चाहिए टमाटर स्लाइस किए हुए, बंद गोभी, मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है, शिमला मिर्च, इसके भी मैंने काट लिया है बारीक बारीक सा, चीज़ और मायोनीज। अब एक बाउल लेके उसमें हमने जो गोभी कद्दूकश करके रखी हुई है उसको निकाल लेना है, और इसमें हम जो मायोनीज़ के पैकेट्स हैं, मैंने दो पैकेट यहाँ पर शामिल किए हैं, तो वो दोनों इसमें डाल के और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, भाई बहुत अच्छी चीज़ होते हैं अगर वो थोड़ा बहुत बहनों के काम आ जाएं। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी तो मेरे भाई ने मेरी हेल्प की, मेयोनीज़ के जो पैकेट्स है वो उसने खोल के और गोभी में मिक्स करके मेरी हेल्प की मिक्स करवाने में, तो मेरे भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर दो स्पून्स की मदद से मैंने बंद गोभी और मायोनीज़ को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो दोस्तों, एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम किया, उसके बाद हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, अब मैंने इसमें कीमा शामिल किया है और कीमे में पानी नहीं डाला, कीमे में अपना पानी होता है तो पानी खुश्क होने तक कीमे को पकाएंगे। तो दोस्तों, कीमे का पानी खुश्क हो चुका है, अब हम इसमें जितने भी मसाले थे वो शामिल करेंगे और दही और हरी मिर्चें भी हम इसमें अब शामिल करेंगे। तो अब हमने इसमें शामिल किया है नमक, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, इन सब चीज़ों को, मसालों को डाल के हमने अच्छे तरीके से कीमे को मिक्स कर लेना है, और पानी इसका खुश्क हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है इसका, तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी दही और हरी मिर्चें। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है दही और हरी मिर्चें, इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ और चमचा चलाते जाएं ताकि कीमा जले नहीं, और कीमा थोड़ा सा नरम होना चाहिए। तो ये सारे मसाले मिक्स हो गए हैं, अब 5 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। तो दोस्तों, कीमा रेडी हो चुका है, ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, आप देख रहे हैं कि सिर्फ ऑयल नज़र आ रहा है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको अलग से प्लेट में निकाल के रख देंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। पराठों के लिए मैंने यहाँ पर फ्रोज़न पराठे लिए हैं, ये आराम से मिल जाएंगे, इनको आप निकाल के हल्का सा तवे पर सेक लें। अब एक प्लेट में हम पराठा रखेंगे, एक
अब हम इस पराठे पे सबसे पहले लगाएंगे केचप। चम्मच की मदद से आप केचप पूरे पराठे पर लगा दें। पराठे पर केचप हमने लगा दिया है, ठीक है। केचप लगाने के बाद हम इसमें स्पून की मदद से ही कीमा जो है वो डालेंगे पराठे के सेंटर में। यहाँ पर इस तरह से देखें आप, कीमा आप मतलब अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, और अगर कम डालना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। और इसके बाद हमने जो मेयोनीज और हमने बंद गोभी जो कद्दूकस करके रखी थी वो मिक्स की हुई थी, तो वो हम इसके ऊपर डालेंगे। अब हमने इसमें बारीक कटे हुए शिमला मिर्च भी डाल लेने हैं, और टमाटर के जो स्लाइस थे वो भी हम इस पे ऊपर रखेंगे। ठीक है, अब चीज़ एक ही जो मैंने चीज़ जो एक पीस इसका निकाल के इसके दो पीसेस करके दो हिस्सों में, तो वो आराम से आप इसके ऊपर रखेंगे। और गर्मी बहुत है तो चीज़ किचन में रखते हैं तो वो उस वक्त मेल्ट होने लगती है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है पैकेट खोलने में, ये चिपकती है इस वजह से। ये देखें चीज़ के मैंने पीसेस करके पराठे के ऊपर जितनी चीज़ें थी उसके ऊपर मैंने रख दिया है। ये देखिए इस तरीके से, अब बस इसको फोल्ड करना है सारी चीज़ों को। तो दोस्तों पराठे रेडी हो चुके हैं, अब हम इनको 5 मिनट के लिए ओवन में रखेंगे ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। देखिए पराठे रेडी हैं, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो हाफिज़।